नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। कांग्रेस ने कहा, नोटबंदी के बाद अब जुबान बंदी और सोच बंदी चाहती है मोदी सरकार। एक शहीद की बेटी को बलात्कार की धमकियां मिलने के बाद कांग्रेस ने कहा कि नोटबंदी के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार जुबानबंदी और सोचबंदी भी करना चाहती है ताकि लोग स्वतंत्र होकर सोच और बोल न सके। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने थलसेना के एक शहीद कैप्टन की बेटी गुरमेहर कौर की और आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद उस पर हुए जहरीले हमलों की बौछार पर यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति और परंपरा हिसाब चुकता करने के लिए ऐसे तरीकों को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से असहमत होने वालों के लिए धमकी की भाषा और गालियों का इस्तेमाल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाजपा पर हमला बोलते हुए सुरजेवाल ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइकों की कस्में खाने वाले और हमारे सैनिकों की शहादत का चुनाव में इस्तेमाल करने का एक मौका न गंवाने वाली पार्टी 20 साल की एक छात्रा को मिली बलात्कार की धमकी का समर्थन करती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज शिक्षकों की पिटाई छात्रों के खिलाफ हिंसा की संस्कृति को भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर कौर के खिलाफ ट्विटर पर अपनी परोक्ष टिप्पणी से विवाद शुरू होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि उनका पोस्ट पूरी तरह से हास्य विनोद था, लेकिन उसे गलत तरीके से लिया गया। हालांकि ओलंपिक रजत पदक विजेता योगेश्वर दत्त और कुश्ती खिलाड़ी गीता और बबीता फोगट उन प्रसिद्ध हस्तियों में शामिल हो गए जिन्होंने सोशल मीडिया पर गुरमेहर के विचारों पर सवाल उठाए। 20 साल की छात्रा ने रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एबीवीपी अभियान शुरू किया था। हालांकि बवाल मचने के बाद वह अभियान से हट गई। सोशल मीडिया पर यह अभियान वायरल हो गया और उसने विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों से पुरजोर समर्थन मिला। उसने सोशल मीडिया पर पिछले साल पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा बल्कि युद्ध ने मारा तख्ती लेकर युद्ध विरोधी संदेश दिया था। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति ओलांद के भाषण के दौरान फ्रांसीसी अधिकारी से चली गोली। व्हाइट हाउस बोला, नस्लवाद से प्रेरित थी कसांस में भारतीय की हत्या। मौर्य ने कहा, सपा साफ बसपा नाक तो कांग्रेस कालियानाक। रूस चीन ने किया सीरिया पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का विरोध, लगाया वीटो। बोलिविया में सड़क दुर्घटना में 33 लोगों की मौत।